दोस्तों आज बात करते हैं कि बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ती, क्यों जो पहले महिला पुरुष में बच्चे थे उनकी जो औसत हाइट है उसके मुकाबले हाल फिलहाल के बच्चों में महिला और पुरुषों की औसत हाइट उतनी क्यों नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसके कई कारण हैं, इसके सभी कारणों के बारे में आज बात करते हैं। पहला जो इसका कारण है वो है फ्रेंड्स आपका न्यूट्रिशन। आपकी हाइट बढ़ना डिपेंड करता है आपके स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपकी हड्डियों पर, और आपकी हड्डियों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम से होता है। वहीं उसके साथ में उसको कुछ कोएंजाइम फिर विटामिन भी चाहिए और प्रोटीन भी इसमें जरूरी घटक होता है फ्रेंड्स। और अगर आपके खाने से आप इन मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा नहीं करते हो तो आपकी हड्डियों का विकास नहीं होगा, और अगर आपकी हड्डियों का विकास यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आप कोशिश करें, यह सुनिश्चित करें कि आपकी जो डाइट है उसमें समस्त मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों फ्रेंड्स, जिससे कि आपको हाइट को बढ़ने में न्यूट्रिशन बाधा ना बने, न्यूट्रिशन की कमी बाधा ना बने फ्रेंड्स। नंबर सेकेंड है इसमें आपका फ्रेंड्स हार्मोन्स। आपकी जो हाइट है वो डिपेंड करती है HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पर, और वो जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही स्टिमुलेट करती है आपके ब्रेन को HGH रिलीज कराने के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका ये भी पहलू पोषण से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपकी बॉडी में कोएंजाइम्स का निर्माण नहीं होगा सही से तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी आपकी सही से वर्क नहीं करेगी फ्रेंड्स, यानी कि ये भी सही कार्य नहीं कराएगी और ना ही ये ब्रेन को आदेश देगी आपकी हाइट को बढ़ाने का फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पर भी आप अपने न्यूट्रिशन पर ही ध्यान दें फ्रेंड्स, क्योंकि कोएंजाइम्स का निर्माण विटामिन व मिनरल्स मिलकर करते हैं फ्रेंड्स। नंबर थर्ड है फ्रेंड्स आपका इसमें, जो आजकल के बच्चे जो आज की जनरेशन है वो सही से अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या तो उन्हें गेम में लगे रहना है या फिर टीवी देखने में अपना समय गुजार देंगे, यहाँ तक कि वो फ्रेंड्स इतना आलस्य में आए पड़े हैं उनकी बॉडी की, वो खुद से अपना खाना भी लेकर खाना पसंद नहीं करते, उसके लिए भी उन्हें कोई नौकर की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से भी वो न्यूट्रिशन लेना ही जरूरी है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है फ्रेंड्स। तो बच्चों को अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, इसकी वजह से भी आपकी जो हाइट है वो रुकती है फ्रेंड्स। और नंबर फोर्थ है इसमें, कहीं ना कहीं आपका जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है फ्रेंड्स, यानी कि आपकी हाइट बढ़ना आपके जीन पर भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अगर आपके माता पिता की हाइट कम है तो कुछ वजह हो सकती है, कुछ परसेंट चांस हो सकते हैं कि इसकी वजह से भी आपकी हाइट ना बढ़े फ्रेंड्स, लेकिन जो अहम जो फैक्टर है उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन और आपके हार्मोन्स हैं फ्रेंड्स।